नमस्कार दोस्तों, कैसेग्रीन.com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। इंडिया की बहुत सारी नौकरियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत निकलती है, लेकिन नौकरियां निकलने के बाद हमें देना होता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं रिजल्ट्स का। तो ऐसे में हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती हैं जो इधर से उधर जो है वो हमें घुमाती रहती है, और हमें एग्जैक्टली रिजल्ट के बारे में नहीं बताती है कि रिजल्ट जो है वो आया है या नहीं आया, या फिर आ चुका है तो हम लोग जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग का रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे जो है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास और बड़ा नहीं करना, जस्ट आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन लाल कलर में दिख रहा है तो उसको दबा करके सफ़ेद रंग में जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए। ट्राई कीजिए वो सफ़ेद रंग में हुआ कि नहीं, और साथ के साथ आपको एक मिलेगा अंगूठे का निशान, उसको भी जो है वो दबा लीजिए। आपको और सब्सक्राइब और लाइक करने का बेनिफिट बताता हूँ मैं क्या होगा। उससे जो है वो आपको आने वाली हमारी आने वाली हर नई जानकारी इसी तरह बिना किसी खर्च के जो है वो पहुँचती रहेगी, और आप जान पाएंगे कि कैसे जो है वो आप लोग एजुकेशन में आगे नौकरियों में जो है वो क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अभी के लिए सबसे पहले हमें जो है वो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए, अगर हम SSC का रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमें विजिट करना होगा इंटरनेट ब्राउज़र में, चाहे वो आपका मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, जिस मर्ज़ी का। वहाँ पर आपको लिखना है ssc.nic.in यानी nic.in। तो दोस्तों आप ssc.nic.in पे विजिट कर जाइए। कुछ इस तरह से आपके सामने जैसी वेबसाइट दिखा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा एक ऑप्शन रिजल्ट्स का, तो आप जब उस रिजल्ट्स के ऑप्शन पे जब वो क्लिक कर लीजिए, आपके सामने जितने भी रिजल्ट इस समय अपलोड हो चुके होंगे वो सारे के सारे दिखाए जाएंगे। जो भी रिजल्ट आप चेक करना चाहते हैं या रिजल्ट्स के सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको जो है वो क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर मिलेगा, कैटेगरी मिलेगी, नाम मिलेगा क्या है बंदे का, और यहाँ पर आपको सारा टोटल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा कि लिस्ट के अंदर वो कौन सी जगह पर जो है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट का और रिजल्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी समझ आ गई होगी, आप जानेंगे होंगे कि कैसे जो हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का एग्जाम रिजल्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, SSC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जो है ssc.nic.in की वेबसाइट है, और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है वो ऑप्शन मिलेगा ऊपर ही ऊपर रिजल्ट्स का। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर जो है वो आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये SSC की वेबसाइट है यहाँ रिजल्ट पे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारियाँ फ्री में पहुँचती रहे। और अगर आपने रिजल्ट एग्ज़ाम किसी अपने दोस्त के साथ दिया तो वीडियो के नीचे मिलेगा आपको एक सब्सक्राइब शेयर बटन, तो शेयर बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए, फेसबुक आदि का चुनाव करके, ताकि वो भी जान सकें कि कैसे जो है वो आप अपना SSC का रिजल्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट में डालिए, अगर आपका कमेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कैटेगरी के साथ। अपनी जानकारी जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में जरूर डालिएगा क्या जानकारी आपको और चाहिए। सीखते रहिए कैसे करें।